नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सोमवार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर चित्रकार मरहूम सैयद हैदर रजा के 99वें जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर सुबह स्थानीय बिझिया स्थित कब्रिस्तान में हैदर रजा और उनके पिता सैयद मोहम्मद रजा की कब्र पर चादर पेश की गई। रजा उत्सव में शामिल सभी कलाकार, रजा फाउंडेशन, नमामि आर्ट फाउंडेशन और इनर वॉइस के सदस्य और स्थानीय लोगों ने हैदर रजा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रजा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा नेता जयदत्त झा ने कहा कि हैदर रजा की 99वीं वर्षगांठ पर रजा फाउंडेशन के साथ सभी स्थानीय लोग और कलाकारों ने मिलकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि रजा साहब की स्मृति में जो रजा उत्सव आयोजित किया जाता है उसमें लोग और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने बच्चों को उसमें जोड़ें। कला के क्षेत्र में भी भविष्य काफी उज्ज्वल है और इस तरह से भी हम रजा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। रजा साहब ने मंडला जिले का नाम रोशन किया है। मैं सबसे कामना करता हूं कि रजा फाउंडेशन के कार्यक्रमों से जुड़े और कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके कार्यक्रमों को गति दें। अभी मंडला में इन सब कार्यक्रमों में काफी गति आई है। रजा उत्सव के संयोजक योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि रजा साहब इस मिट्टी की गंध, यहां के रंग को लेकर पूरा काम करते गए और संघर्ष करते गए। जंगल और ग्रामीण परिवेश में उनका बचपन बीता, इससे उन्होंने आदिवासी कल्चर और संगीत को माध्यम बनाकर अपनी कला को निखारा। वे निरंतर काम करते गए और मिट्टी की ही चीज को लेकर वो आगे बढ़ते गए। वो हमेशा भारतीय संस्कृति के प्रति उनका काफी लगाव रहा। वो हम लोगों से भी कहते थे कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हम उसमें ही काम करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने यहाँ की मिट्टी की गंध और रंग को भी चित्रित किया और शून्य में ही सारा कुछ ढूंढते थे। रजा साहब अपनी मिट्टी की गंध को लेके, यहाँ के रंग को लेके वो पूरा काम करते गए और संघर्ष करते गए। और ये उन्होंने जो जंगल में जो उनका बचपना बीता, जो ग्रामीण परिवेश में बीता और जो आदिवासी कल्चर को, उनके संगीत को वो केवल माध्यम बनाकर, पहले जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए, फिर प्रोग्रेसिव आर्ट का गठन किया, उसके पश्चात वो निरंतर काम करते गए और मिट्टी की ही चीज़ को लेके वो आगे बढ़ते गए और सदा भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, इसके प्रति उनका काफ़ी वो रहा। और हम लोग को ही बोलते थे कि इतना समृद्ध है हमारी संस्कृति कि हम उसी में ही काम करें और वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल यहाँ की मिट्टी की गंध, यहाँ के रंग, उसी को चित्रित किए और शून्य में ही सारा कुछ वो ढूंढते थे। आज जैसा कि हम सबको जानकारी में है, सर हैदर रजा साहब का 99वां वर्षगांठ है, जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में रजा फाउंडेशन के साथ हम सब स्थानीय जन और कला प्रेमी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी कब्र में चादर चढ़ा के पुष्पांजलि अर्पित करके, और इस अवसर पे मैं आम जनों से भी कहना चाहूँगा कि ये 2-3 दिन का जो रजा साहब की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है फाउंडेशन के द्वारा, उसमें थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने बच्चों को उसमें उससे जुड़ें, आगे भविष्य उसमें उज्ज्वल है। और इस तरीके से भी हम रजा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। स्थानीय उन्होंने मंडला जिले का नाम रोशन किया है और मैं सबसे यही कामना करता हूं कि इस फाउंडेशन से जुड़ें, 3 दिन के आयोजन में शामिल हों और हम सब से जो सहयोग बनता है सहयोग भी है। और रजा फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद भी है कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने चित्रकला जो 3 दिन की प्रदर्शनी लगी, सभी लोग उसमें शामिल हुए, तो एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है मंडला जिले में जो अभी तक शून्य पड़ा हुआ था। तो मैं इसको और आगे बढ़ाएं, मेरी शुभकामना है।